नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी अर्जुन वशिष्ठ लर्निंग ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पुलिस री एग्जाम आने वाला है और आप सभी तैयारी में जुट गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने सीरीज भाग 9 पर आज आ चुके हैं। भाग 8 हमने कल पूरे पढ़ लिए थे। ठीक है दोस्तों, आज हम देखते हैं भाग 9। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भाग 9। ठीक है, भाग 9 में क्या पढ़ना है, भाग 9 में हमें पढ़ना है पंचायतों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भाग 9 में पंचायतों के बारे में। भाग 9 में क्या है, पंचायत। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमें अनुच्छेद सिर्फ एक पढ़ना है, अनुच्छेद 243। ठीक है, भाग 9 में केवल एक अनुच्छेद पढ़ना है, अनुच्छेद 243। बाकी जो इसके अंदर होंगे वो इसके सब क्लोज है, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 243 कैसे शुरू हो गया, 243 अन्य तक चलते हैं। ठीक है दोस्तों, भाग 9 में हमें पंचायतों को पढ़ना है और अनुच्छेद 243 कैसे अन्य तक पढ़ना है, जिसमें हमें कुल 16 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं। लेकिन 16 के 16 अनुच्छेद इंपोर्टेंट नहीं है, जो अनुच्छेद पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है मैंने वो सभी आपके सामने लिख दिए हैं। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, इनसे अलग नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अनुच्छेद 243 में क्या है। अनुच्छेद जो 243 है उसमें क्या है, पंचायत की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा दी गई है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 243 क्या है। अनुच्छेद 243 क्या में क्या है, ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। जो ग्राम के अंदर सभा होती है उसको ग्राम सभा बोलते हैं, उसका वर्णन अनुच्छेद 243 क्या में किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर इम्पोर्टेंट है इसके अंदर 243 गया, इसमें क्या है, पंचायतों की रचना के संबंध में राज्य विधानमंडल अधिकृत है। ठीक है, यानी कि जो पंचायत बनेगी वो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत ही बनती है। अनुच्छेद 243 गया। फिर आता है अनुच्छेद 243 घर, इसमें क्या दिया है, पंचायतों में आरक्षण, जो कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण पंचायतों में मिला हुआ है। ठीक है, फिर है 243 डेडमरू, इसमें क्या है, पंचायतों की अवधि, पंचायतों की अवधि कितनी होती है, पंचायतों की अवधि होती है 5 साल। कितनी होती है दोस्तों, 5 साल। फिर 243 में क्या है, सदस्य की अयोग्यता, यानी कि जो भी पंचायत का सदस्य होगा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, फिर है 243 झंडा, इसमें क्या है, वित्तीय स्थिति पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। ठीक है, यानी कि जो इनको पैसा देगा उसके लिए भी तो वित्त आयोग बनेगा, तो कौन से अनुच्छेद के तहत बनता है, अनुच्छेद 243 झंडा। ठीक है दोस्तों, फिर 243 टैब, इसमें क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन, यानी कि पंचायतों के लिए जो चुनाव होते हैं वो कौन से अनुच्छेद संबंधित है, 243 टैब। 243 सब में कंपलसरी रहेगा, बाकी आपको कै गै ड च झट ये तुम्हें याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब इसे देखते हैं। मैंने आपको अनुसूची पढ़ाई थी, सबसे पहले मैंने आपको एक अनुसूची पढ़ाई थी 11वीं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8, वर्तमान में कितनी है, 12, 9वीं जोड़ी गई थी, 10वीं, 11वीं, 12वीं। जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, इसमें कितने विषय थे, 29 विषय थे। ये 29 विषय किससे संबंधित थे, ये सारे इसी पंचायत से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, क्या बताया मैंने, जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसमें 29 विषय थे, इसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था, वो पंचायत से संबंधित थी। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भाग 9 पढ़ाया आज हमने, पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 243 कैसे लेके अन्य तक हमें पढ़ना है, 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिए गए हैं। 243 में क्या है, पंचायतों की परिभाषा है, और 243 क्या है, ग्राम सभा गया है, पंचायतों की रचना के संबंध में राज्य विधानमंडल अधिकृत है, और घ में जो पंचायतों में आरक्षण है, महिलाओं को 1/3 का आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, और ड में पंचायतों की अवधि कितनी होगी, 5 साल होगी। 43 च में
सदस्यों की योग्यता के बारे में वर्णन है और ज में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है और ट में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। तो भाग नौ कंप्लीट हुआ, अब हम देखते हैं भाग नौ का क्या पार्ट जो कि जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, भाग नौ हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे भाग नौ क्या है जिसके अंदर क्या है नगर पालिकाएं। ठीक है, भाग नौ में क्या पढ़ी हमने पंचायत और भाग नौ क्या में क्या है नगर पालिकाएं जो कि अनुच्छेद 243 से लेके 243 तक पढ़नी है। ठीक है, सारे अनुच्छेद हमें इसके नहीं पढ़ने हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो मैंने लिख दिए हैं, सिर्फ इन्हीं को हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं 243 में क्या है स्थानों का आरक्षण। ठीक है, जैसे पंचायतों में ग्राम पंचायतों में आरक्षण था, ठीक उसी प्रकार नगर पालिका में भी आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में। फिर है अनुच्छेद 243 पै, इसमें क्या है नगर पालिकाओं की अवधि, यानी कि जो नगर पालिका के लिए सदस्य होंगे उनकी जो कार्यकाल की अवधि होगी वो कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 243 पै में दी गई है। ठीक है, फिर 243 में क्या सदस्यों के लिए निर्भरता है यानी योग्यता है, यानी कि जो नगर पालिका का सदस्य बनेंगे उनके लिए जो भी योग्यताएं होंगी वो अनुच्छेद 243 एफ में दी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर 243 में इसके अंदर क्या है वित्त आयोग, जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पंचायतों के लिए वित्त आयोग है उसी प्रकार नगर पालिका के लिए भी अनुच्छेद 243 में के तहत वित्त आयोग है। जब ये भाग नया जुड़ा तो इसी के साथ साथ हमारी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और नगर पालिका के लिए 12वीं अनुसूची 74 संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषय थे। ठीक है, इसी प्रकार पंचायत में पीछे बताया था आपको जोड़ी गई थी, यहाँ था 73 संविधान संशोधन 1993 11वीं अनुसूची थी और उसके अंदर 29 विषय थे, लेकिन जो नगर पालिका है ये 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है 74 संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जिसके अंदर 18 विषय है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या पढ़ा है मैंने भाग नौ में पंचायतों के बारे में पढ़ा और भाग नौ क्या में हमने नगर पालिका के बारे में पढ़ा है, इसमें हमें अनुच्छेद 243 से लेके 6 तक पढ़ना है। न में स्थानों का आरक्षण दिया गया है, प में नगर पालिकाओं की अवधि, फ में सदस्यों के लिए निर्भरता है और म में वित्त आयोग और इसी के साथ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 18 विषय थे जिसे 74 संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों भाग पढ़ते हैं 10, भाग 9 कंप्लीट हो चुका, भाग 9 में हमने क्या पढ़ा पंचायत, भाग 9 में हमने क्या पढ़ा नगर पालिकाएं, भाग 9 कंप्लीट, अब हम पढ़ते हैं भाग 10। ठीक है दोस्तों, भाग 10, भाग 10 में क्या पढ़ना है हमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र यानी एससी एसटी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, इसमें केवल हमें एकमात्र अनुच्छेद 244 पढ़ना है। अब देखो भाग 9 पढ़ा, नगर पालिका पढ़ी, पंचायत पढ़े, एक अनुच्छेद पढ़ा अनुच्छेद 243 बाकी उसके अंदर थे। भाग 10 पढ़ेंगे, एक अनुच्छेद पढ़ना अनुच्छेद 244, इसमें क्या है अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 244 में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है एससी एसटी प्रशासन 1989 एक्ट है। ठीक है, इसे बोलते हैं एससी एसटी एक्ट 1989 जो कि काफी चर्चाओं में रहता है। ठीक है, इसमें क्या है इसके तहत किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, आपने सुना होगा कि एससी एसटी एक्ट लग गई उस पर इस तरह की काफी आपने सुना होगा, तो ये क्या है एससी एसटी 1989 किसी दलित व्यक्ति के शिकायत पर बिना जांच के पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है, ये होता है एससी एसटी एक्ट 1989। ठीक है, फिर आर्टिकल 244 क्या है, इसमें क्या है असम राज्य के जनजाति जो एसटी है जनजाति की प्रशासन की चर्चा की गई है, किसमें अनुच्छेद 244 क्या में। भाग 10 में सिर्फ बच्चों इतना ही है, आज ही भाग 9 कंप्लीट हो चुका और भाग 10 भी आपका कंप्लीट हो चुका। भाग 10 में क्या पढ़ा हमने अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, एससी एसटी एक्ट पढ़ा हमने, इसमें क्या होता है जो 1989 के तहत है किसी दलित व्यक्ति की शिकायत पर बिना जांच के ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अनुच्छेद 244 क्या है असम राज्य के जनजाति की प्रशासन की चर्चा अनुच्छेद 244 में की गई है। ठीक है दोस्तों, भाग 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों,
आज का मोटिवेशन दोस्तों, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अपने भीतर की सुनता है वो निखर जाता है, जो अपने भीतर की सुनता है वो निखर जाता है। जय हिंद दोस्तों।